हेलो ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना से ज़्यादा बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप ना कीजिए। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के साथ साथ PPF अकाउंट के बारे में भी, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है वो मेनली गर्ल्स के लिए है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया था, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। मेनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है और PPF को भी हमने यहाँ पर शॉर्टली डिस्कस किया है मेरे चैनल पर। आप लोगों को PPF अकाउंट से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी अबाउट EPFO एंड NPFO सारी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि ये लड़कियों के लिए है, 1 से 10 साल के एज की लड़कियों के लिए है। ठीक है, उसके लिए डिपॉजिटेड ईयर है 15 एंड मैच्योरिटी इसकी होती है 21 ईयर्स, और 8% ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता है। और मैक्सिमम जो है आप इसमें 1.5 लाख देते हैं एंड कम से कम आप 250 दे सकते हैं, और ये टैक्स फ्री है। साथ ही साथ आप बात करेंगे हम PPF अकाउंट के बारे में, ये सभी पर्सन कर सकते हैं। ये 15 साल की डिपोजिशन है, इसमें मेच्योरिटी इसकी 15 साल की है, पर इसमें इंटरेस्ट जो है 7.5 है। इसमें कम से कम आप 500 रुपये दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, तो ये भी टैक्स फ्री है। अब बात कर लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस PPF अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। इन दोनों को ही मैंने इस मेरे चैनल पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब की हुई है वीडियो, आप जाके मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें इसके ईयर का है, जो कि 6 ईयर ऑफ गैप मिलता है। उसमें आपको 21 ईयर्स के बाद मेच्योरिटी मिलती है, लेकिन इसमें आपको 15 साल के बाद ही मेच्योरिटी मिल जाती है। और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट रेट में भी डिफरेंस है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स एंड GST से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएगी टॉपिक वाइज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। साथ ही साथ अपडेटेड न्यूज़ अबाउट इनकम टैक्स एंड GST एंड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखिए।